हेलो फ्रेंड वेलकम अगेन माई चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओम्स के लोगों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में हम ओम्स के लोगों को पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम जहाँ कहीं पर भी इंटरव्यू में के लिए जाते हैं वहाँ पर भी ओम्स लोगों को पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आज का इस टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बनी रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है दोस्तों तो समय को ना गवाते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो ठीक है दोस्तों ओम्स लो क्या है ओम्स जो एक साइंटिस्ट था उसने एक लो दिया था जिसको हम ओम्स लो के नाम से जानते हैं ओम्स ने बताया था कि सारी फिजिकल क्वांटिटी को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट प्रवाहित होगा वह उसके उस सर्किट में जो टर्मिनल पर वोल्टेज लगा है उस वोल्टेज के डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल होगा और उन्होंने ये भी बताया कि जो रजिस्टेंस होगा वह वो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है दोस्तों तो हम देख लेते हैं ओम्स ने ठीक है जो ओम्स का लिए नियम दिया था वो कौन दिया था जेर ठीक है साइमन ओम्स ने ठीक है जो जॉर्ज साइमन ओम्स था उस साइंस ने ओम का नौ... लो दिया इसीलिए उस लो को उसके सरनेम के अकॉर्डिंग ओम्स का लो कहा जाता है इन्होंने क्या बताया था कि ये कंडक्टर है और उसके अंदर मान लो एक रजिस्टेंस है और इसको अगर हम किसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दे तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वह वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है ये ओम्स ने बताया था ठीक है अर्थात मान लीजिए उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें मान लीजिए एक साइड में वोल्ट ले लेते हैं हम और एक साइड में करंट ले लेते हैं ठीक है, वोल्ट और यहां पे हमने करंट ले लिया मान लीजिए यहां पर उसने एक वोल्ट की बैटरी लगाई ठीक है उस कंडीशन में वोल्टेज एक वोल्ट था और करंट जो है वो दो एमपीयर था ठीक है मान लीजिए दूसरी बार में उसने इसी सर्किट में दो वोल्ट की बैटरी लगाई ठीक है तो उस कंडीशन में क्या दो वोल्ट की बैटरी लगाई तो उस कंडीशन में जो करंट था वो चार एम्पियर है उसने तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया मान लीजिए तीसरी बार में उसने दो के जगह पे तीन वोल्ट की बैटरी लगाई उस कंडीशन में वोल्ट क्या होगा हमारा तीन वोल्ट और करंट क्या हो जाएगा छ एम्पियर अर्थात यह कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा मान लीजिए जब वोल्टेज एक था एक वोल्ट था उस कंडीशन में करंट जो था दो एंपियर था ठीक है तो वोल्टेज दुगना किया उसने ओम्स ने अर्थात एक से दो किया तो करंट जो था वो भी दो से चार दो गुना हो गया ठीक है दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया दो गुना हो गया थर्ड एक्सपेरिमेंट किया उसने एक से तीन वोल्ट की बैटरी लगाई अर्थात वोल्टेज को तीन गुना बढ़ा दिया तो जो करंट था वो पहले दो एमपियर था तो करंट भी उसका तीन गुना बढ़ गया अर्थात जिस जिस मल्टीपल में हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी मल्टीपल में करंट भी बढ़ रहा है अर्थात जब एक वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमारा करंट मान लो दो एम्पियर था जब वोल्टेज को हमने एक से दो वोल्ट कर दिया था दुगना कर दिया तो करंट जो था वो दो से चार एम्पियर हो गया अर्थात दुगना हो गया और उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक वोल्ट की जगह की जगह पे तीन वोल्ट की बैटरी लगा दी तो वो पहले से जो वोल्ट तीन गुना कर दिया तो करंट भी जो पहले दो एम्पीयर था उससे तीन गुना हो गया 6 एम्पीयर हो गया इसका मतलब ओम्स ने यही बताया था अपने लॉस में कि जो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्ट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है तो जब हम वोल्ट का प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक आर है वो एक नियतांक है वो लग जाएगा और i का i ठीक है जो कि r जो है वो एक कांस्टेंट है ठीक है जिसको कि हम इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं ठीक है क्लियर उसके बाद में ठीक है इसको रहने देते हैं इसको हम विस्कल आई आर भी लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ओम्स के लो के अकॉर्डिंग यदि हमारे सर्किट में किसी भी दो चीज को दिया हो अर्थात वोल्टेज या करंट दिया हो और रजिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो निकाल सकते हैं या फिर रजिस्टेंस और करंट दे दिया गया हो और वोल्टेज निकालने के लिए बोल दिया है, तो हम निकाल सकते इसका मतलब अगर दो क्वांटिटी दी गई हो और कोई भी तीसरी क्वांटिटी निकालने के लिए बोले तो हम उसको ओम्स के लो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं ठीक से तो ओम्स ने जो है तीन फार्मूले ओम्स के लो के अकॉर्डिंग निकल के आते हैं फर्स्ट वोल्टेज के लिए V I R ठीक है वोल्ट के लिए करंट इंटू रजिस्टेंस सेकेंड फॉर्मूला रजिस्टेंस के लिए V विस्कल स्कल आई ठीक है V ओपन आर सॉरी V ओपन आई ठीक है थर्ड फॉर्मूला करंट निकालने के लिए V ओपन आर ओके तो मतलब जब हमको वोल्टेज निकालना रहेगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस निकालना रहेगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और करंट निकालना रहेगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता बताएंगे ठीक है यह वोल्टेज है यह करंट I है और रेजिस्टेंस आ रहे ठीक है थीके? तो जब इस इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें जिस को भी फाइंड आउट करना रहेगा उसको हम दबा लेंगे आई I मीन mean, उसको हम छुपा लेंगे तो मान लीजिए हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज को दबा लेंगे तो क्या बचेगा आई आर तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आई आर ठीक है और यदि इस ट्रिक के अनुसार हमें करंट निकालना है तो हम करंट को दबा लेंगे तो क्या बचेगा वी ओपन आर तो करंट के लिए V ओपन आर ठीक है इसका फॉर्मूला हो गया और हमें अगर रजिस्टेंस निकालना है तो हम रजिस्टेंस को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा V ओपन आई ठीक है तो V ओपन आई रजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये ट्रिक है जिससे आप इन तीनों फॉर्मूले को याद कर सकते हो ठीक है अब इसका ऑन्स के लोग के हम वी आई को देख लेते हैं ठीक है ठीक है ये वी और ये आई है ठीक है इसको वी आई बोल सकते हैं हम ठीक है और जो सेंटर का लीनियर लाइन होती है ये क्या रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है ठीक है तो हमने तीन क्वांट तीन एक्सपेरिमेंट लिए हैं तो इसी को हम वहां पर अप्लाई करेंगे ताकि आपको समझने में हेल्पफुल हो ठीक है वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक है करंट क्या वोल्टेज क्या लिया था उसने वन वोल्ट सेकेंड में टू वोल्ट और थर्ड में थ्री वोल्ट और करंट क्या था टू एम्पियर फोर एम्पियर और सिक्स एम्पियर ठीक है इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में थोड़ा हेल्पफुल रहे आपके लिए ठीक है दोस्तों तो मान लीजिए जब एक वोल्ट था करंट दो था दो एम्पियर था ठीक है तो उस कंडीशन में पॉइंट ये मान लेते हैं दोनों यहाँ पर मिलेंगे जब वोल्टेज को दुगना किया एक से दो किया ठीक है तो जो करंट था वो भी दुगना हो गया अर्थात दो से चार हो गया ठीक और जब वोल्टेज को उसने दोगुना से थर्ड तीन गुना कर दिया अर्थात एक से तीन गुना कर दिया उस कंडीशन में करंट जो है वो भी दो तीन गुना हो जाएगा दो का तीन गुना हो जाएगा ठीक है तो जब हम इनको मिलाएंगे लाइंस को इस प्रकार तो जो हमें एक लीनियर सर्किट प्राप्त होगा जो कि जो बीच की लाइन जो है ये रजिस्टेंस को इंडिकेट करती है तो एक पॉइंट यहाँ पर भी बन जाता है कि जो ओम्स का लॉ है वो केवल लीनियर सर्किट पर ही अप्लाई होता है और जो सर्किट नॉन लीनियर होती है उसके ऊपर ओम्स का लॉ काम नहीं करता ओम्स का लॉ वर्क नहीं करता है ठीक है दोस्तों एक ये चीज़ क्लियर हो गई ओके अब हाँ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं ओम्स का जो लॉ है वह एसी और डीसी दोनों के ऊपर अप्लाई होता है ठीक है और ओम्स का जो लॉ है वह है लीनियर सर्किट और डायरेक्शनल या हम कह सकते हैं बाइलेटरल सर्किट पर अप्लाई होता है ठीक है एसी के कंडीशन में रेजिस्टेंस आर के जगह पे हम क्या करते हैं इंपीडेंस अर्थात प्रतिबाधा जेड को लेते हैं यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये ओम्स के लोगों के अकॉर्डिंग्स कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखिएगा ठीक है और कुछ चीज देख लेते हैं हम अप्लाई करके ताकि कहीं पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकें ठीक है दोस्तों ओके तो मान लीजिए इसी सर्किट को ले लेते हैं हम कि जो बना बनाया है मान लीजिए इस सर्किट में हमें दिया हुआ है पांच एमपेरक